नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि मोटे लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है और पतले लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है। काफ़ी बार ऐसा होता है, इसके पीछे क्या कारण है? कारण इसके पीछे कई सारे हैं, पर इनमें से एक ध्यान देने वाला कारण है कि मोटे लोगों के शरीर में चर्बी ज़्यादा है, पतले लोगों के शरीर में चर्बी कम है। तो क्या होता है कि जो चर्बी आपकी चमड़ी के नीचे चर्बी होती है, आपकी जो चमड़ी है उसके नीचे चर्बी होती है, तो जब ठंड होती है बाहर तो वो चर्बी क्या है, ठंड को उतना ज़्यादा अंदर तक पहुँचने नहीं देती। एक तरीके से समझ लो, आपने चमड़ी के नीचे कंबल ओढ़ रखे, इस तरीके से लोग सोच सकते हैं। मतलब वो आपकी बाहर की ठंड को अंदर तक उतना ज़्यादा पहुँचने नहीं देती। वही एक पतला आदमी है जिसके शरीर के चमड़ी के नीचे उतनी ज़्यादा चर्बी नहीं है, तो बाहर की ठंड थोड़ी ज़्यादा अंदर तक पहुँच जाएगी, तो उससे ठंड थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो मोटे लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, पतले लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है। ऐसा नहीं है, कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है, पर काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि मोटे लोगों को गर्मी ज़्यादा लग रही है, उनको पसीना आ जाएगा, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, ऐसे करते रहते हैं। क्या तो इसका मतलब ये है कि मोटे हो जाओ, चर्बी चढ़ा लो? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि चर्बी चढ़ा लो, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए बताया। पर इसका मतलब ये ज़रूर है कि चर्बी कम कर लो तो तुम्हारे एसी और कूलर के बिल कम हो जाएंगे और तुम्हारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। और जो पतले लोग हैं उनके लिए इसका मतलब ये है कि अपने शरीर में चर्बी मत बढ़ाओ, मांसपेशियां बढ़ाओ, मसल बढ़ाओ, उससे भी तुम्हें जब शरीर में मांसपेशियां ज़्यादा होती है तो शरीर में थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है, तो उससे भी तुम्हें ठंड कम लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।